हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम ग्रोसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि स्पेशल में साबुदाना बड़ा का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। और अभी एक और चीज़ है, पूरा देश लॉकडाउन है तो आप बाहर से स्नैक तो बिल्कुल नहीं ले पाते होंगे क्योंकि पूरा मार्केट बंद है, और नया नया तरीके का आप स्नैक घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये साबुदाना का बड़ा का रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, और नवरात्रि स्पेशल है इसलिए मैंने इसमें प्याज के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आप उसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें दो तरीके से बताई हूँ। एक आप अपने पैन में बना सकते हैं, जो कम तेल खाना पसंद करते हो तो आप अपने पैन में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और एक मैंने फ्राई करके बनाया है। दोनों ही तरह का ये टेस्ट आप ले सकते हैं। एक बार मेरे विधि से बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको साबुदाना बड़ा बना के दिखाती हूँ। साबुदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने देखिए साबुदाना जो कि भिंगा करके, एक कटोरी साबुदाना लेती भिंगा करके मैंने देखिए 4 घंटा भिंगा ली हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, एकदम देखिए अभी सूखा हो गया एकदम, देख सकते हैं। और ऐसे देखिए इसको ऐसे दबाइएगा तो दब जाएगा, देखिए इस तरह से करके पानी एकदम नहीं रहना चाहिए इसमें। और ये छोटे साइज का 5 आलू है, इसको मैं उबाल करके छिल कर तैयार कर ली हूँ। हरी मिर्च 2 से 3 है, आप जितना तीखा खाते उतना डाल सकते हैं। ये हरी धनिया है, ये फल वाला नमक है। ये मसाला में मैं नवरात्रि करती हूँ इसलिए मैं पहले से मसाला तैयार कर लेती हूँ। जैसे इसमें लाल मिर्च है, धनिया, जीरा और थोड़ा ब्लैक पेपर, सबको मैं खड़ा मसाला को मैं ये मिक्सी में पीस कर तैयार कर ली हूँ। खड़ा जीरा है, ये मूंगफली है, इसको मैं सूखा रोस्ट कर ली हूँ, और छिलका सहित मैं इसको दरदरा पीस लूंगी। देखिए मैं दरदरा देखिए पीसी हूँ, कुछ कुछ खड़ा भी है, खड़ा रहने से इसमें मुंह में टेस्ट इसका अच्छा आता है। आलू को पोटैटो मैशर से इसको मैस लेना है। देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूं। अब इसमें ये जो साबुदाना है इसको ऐड कर दे रही हूं, ये मिर्चा पाउडर सॉरी हरी मिर्च, ये सूखा मसाला, ये हरा धनिया, ये खड़ा जीरा, ये फल वाला नमक है। अगर आप व्रत में नहीं बना रहे तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो व्रत में बना रही हूँ इसलिए फल वाला नमक यूज कर रही हूँ। ये मूंगफली, अभी भर गया है, मैं इसको मिक्स करके फिर और ऐड करूंगी। मेरा मिक्स हो गया, अब जो बचा हुआ था मूंगफली का दाना उसको भी ऐड कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं छिलका होने से कितना कलरफुल लग रहा है। देखिए मैं बैटर को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। अब हाथ पे देखिए ये रिफाइन लगाना है, मैं रिफाइन खाती हूँ, जो रिफाइन नहीं खाते वो घी में ही बना सकते हैं। और जब भी इसका टिक्किया बनाना हो तो उसमें उतना थोड़ा रिफाइन हाथ पे लगा लें, इससे ये चिपकेगा नहीं। देख सकते जिस तरह का चकोर गोल जैसे भी बनाना है बना सकते हैं। देखिए ये मैं एक इस तरह का बनाकर तैयार की हूँ, अब दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। अब मैं देखिए इस तरह का गोल गोल बनाकर तैयार करूंगी। देखिए मेरा दोनों तरीका मैं बना के तैयार कर ली, ये गोल गोल बनाई हूँ, ये मैं अप्पे पैन में बनाऊंगी, ये मैं इसको सेलो फ्राई करूंगी। सारे अप्पे पैन में मैं ये रिफाइन डालती हूँ, मैं रिफाइन खाती हूँ व्रत में, जो नहीं खाते वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं देखिए मेरा ये पैन गर्म हो गया, अब इसको मैं इसको सबको ऐड कर दे रही हूँ। देखिए अब आवाज में लगा छनका, इसको ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे, थोड़ा कम पे रखेंगे। इसमें मैं रिफाइन डालती हूँ, देखिए बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं डाले हैं। इसमें मैं ये पकौड़ा को डाल दे रही हूँ, सबको डाल दी हूँ मैं। अब उसको थोड़ा ढक दे रही हूँ और 2-3 मिनट में चेक करूंगी मैं। अब उसको चेक कर लेंगे एक बार,
अभी मैं पका नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर और पकने दे रही हूँ। अभी पका नहीं, मैं चेक कर दूँ, इसे भी चेक कर ले रही हूँ। देख सकते हैं अभी पका नहीं है, ऐसे चेक करके रहना है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। देखिए मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको हल्का हल्का जो कुरकुरा करेंगे वो हम खोल करके ऐसे ढक्कन हटा करके ही पकाएंगे। देखिए मेरा ये तैयार हो गया है, देख सकते हैं। अब मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी नहीं, खुला पकाऊंगी इसको। देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी बन गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये जो आपके पैन में बनाई वो भी तैयार हो गया। मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। इस तरह से छोटा चम्मच ले लें, निकालने में बहुत आसानी होता है। देखिए मेरा नवरात्रि स्पेशल ये साबुदाना का बड़ा मैं दो तरीके से बनाई हूँ। एक अप्पे पैन में बनाई हूँ, एक में ये पैन में फ्राई की हूँ। दोनों देखिए बहुत टेस्टी लगता है। एक बार मेरी विधि से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।